दोस्तों भारी लोटपोट वाला सीन मचा दिया भाई। यस एएमडी ने, मतलब एएमडी ने थोड़ा यार बातचीत करवाई और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक अपडेट निकाला है और ये अपडेट खास करके भाई राइजन पीसीज के लिए। राइजन बोले, एएमडी बोले चलेगा काम एकदम टॉप क्लास। मतलब आपको अभी अपडेट सेक्शन में जाओगे अगर आप एएमडी का पीसी यूज कर रहे हो, एक अपडेट मिलेगा, फटाफट से मारो भाई आंख बंद करके। इंटेल वाले थोड़ा यार कोने में बैठ के देख सकते हैं। वैसे आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो कमेंट में बताना। बाकी देखो ये वीडियो वैसे देखा जाए तो राइजन वालों के लिए बहुत बड़ा यार यहाँ प्लस पॉइंट आया। समझ लो यार 10-15 एफपीएस का तो बिल्कुल इंक्रीमेंट मिलेगा आपको मॉडर्न टाइटल्स लाइक साइबरपंक हो गया या फिर अलग अलग जितनी गेम्स है। बातचीत करने वाले क्या कुछ अपडेट ये कैसे निकाल दिया, लेट्स गो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सरशिप की बात करी जाए तो भाई फास्ट पीसी टूल वालों का फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, हमने इसमें पास्ट में भी बात कर रखी है और ये इनकी वेबसाइट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। और अगर इंटरफेस की बात करूं तो हियर यू कैन सी द कंप्लीट इंटरफेस। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई, आप फुल फ्रेम भी कर सकते हो, कस्टम अपने हिसाब से देख रहे हो ना, इसको मैनेज वैनेज करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट सेटिंग्स में आप जाओगे यहाँ भरपूर चीजें हैं। इवन अगर आप ध्यान से नोटिस करो, इन्होंने न्यू वर्जन के साथ यहाँ पे अपना प्रीसेट आप चूज कर सकते हो, इवन क्वालिटी आपको क्या चाहिए, फ्रेम रेट्स, इवन अगर गेमिंग के लिए रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो यू कैन यूज इट। मतलब ये सब चीजें यार बेस्ट बना देती है। बाकी और भी आपको ड्रॉइंग टूल का ऑप्शन मिल गया अब और ये सब चीजें आप अनेबल कर सकते हो। बाकी एक मजे की चीज आपको दिखाता हूं, इनके रिकॉर्डिंग वीडियो में आप जाओगे, अगर वेबकैम, उसको मैंने यहां से जैसे ऑन कर दिया मेरा वेबकैम और इसमें आपको शेप्स भी मिल जाती है, ये देख रहे हो अलग अलग सर्कल स्क्वायर, तो ये चीज भी आपको बेस्ट हो जाता है। और एक बार सब कुछ सेट हो गया तो बस ये रिकॉर्डिंग बटन आपको दबा देना है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गई है, स्टार्ट कर दो एंड 3-2-1 गो, और रिकॉर्डिंग अपनी चालू हो चुकी है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के दौरान अब आपको एजुकेशन वीडियोस अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे डिफरेंट शेप, इवन आप वेबकैम को भी डायरेक्टली भाई रिकॉर्डिंग के टाइम ही मूव कर सकते हो और शेप्स वेप्स कलर वलर बहुत कुछ आप यार अपने हिसाब से कर सकते हो। और डन होते ही भाई स्टॉप एंड सेव कर देना और यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट भी मिल जाएगा, उसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। MP4 बेस्ट है बट और भी कुछ अवेलेबल है, तो ट्राई कर सकते हो, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों स्टार्टिंग से क्लियर करते हैं, सबसे पहले तो ये जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये विंडोज के साथ है, विंडोज 11 का ऑप्टिमाइजेशन है। देखा जाए तो अभी देखो राइट नाउ अगर आप जाके अपनी सेटिंग्स में भी देखते हो ना, आपके सिस्टम में विंडोज 11 23H2 इंस्टॉल था और ये बस कुछ दिनों का ही मेहमान बचा है। मतलब अपने यार एक महीने के अंदर ही विंडोज 11 का 24H2 वर्जन आने वाला है, पूरा धुमा चौकड़ी एकदम मच जाएगा। मतलब होगा क्या भाई, विंडोज कंप्लीट AI PC वाला एकदम बोल सकते हो, विंडोज आने वाली है वही अपना मैक्स टू मैक्स भाई, एक महीने के अंदर आपको आराम से अपडेट मिल जाएगा। इवन अगर चाहो तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, सिंपल सेटिंग्स में जाओगे ना विंडोज के, विंडो इनसाइडर में आप जाके विंडोज का रिलीज प्रीव्यू चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। मैं सच आपको प्रेफर नहीं करूंगा, एक महीना ही तो है यार, वेट कर लो और क्या, इतना तो चलता है। अब देखो इस अपडेट के साथ ना फीचर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, खास करके इसको लाया भी जा रहा है AI PCs के लिए, जो अपने स्नैपड्रैगन एक्स एलीट एक्स प्लस वाले PC थे या फिर विंडोज के राइजन 300 सीरीज, हमने दोनों पे बात कर रखी है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो सब AI PCs के लिए तो काफी बड़ा अपडेट है। और नॉर्मल अपना जो सिस्टम है, ये जो लैपटॉप लेके मार्केट में घूम रहे हम लोग या इवन आपके पास डेस्कटॉप हो सकता है, तो इनमें भी ये अपडेट का काफी फर्क पड़ेगा। इवन अगर फीचर वाइज ही देखो तो यहाँ पे आपको कोपाइलट प्लस का इंटीग्रेशन टॉप क्लास मिल जाएगा, GPT-4 होगा जहां से आप यार वॉइस के साथ पूरा कमांड बाजी कर सकते हो, इवन रिकॉल का फीचर भी यही देखने को दिखेगा। ये AI PCs के लिए रहेगा थोड़ा दोस्तों ऑफिशियल। इसके अलावा पेंट में भी AI का इंटीग्रेशन, और मैं ये बहुत लिमिटेशन आपको चीजें बता रहा हूँ, हमने इस पर डेडिकेटेड बात कर रखी है, बहुत फीचर है, लाइक 25-30 फीचर्स तो आप मान लो कुछ छोटे मोटे भी है। AI सुपर रेजोल्यूशन हो गया, भदेड़े भाई फीचर भरे पड़े हैं, तो उस पर हमने वीडियो में बात कर रखी है। अब देखो वो जब अपडेट आ जाएगा ना एक बार स्टेबल में तब बात करेंगे। इन्हीं में से भाई एक अच्छी चीज क्या है, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज भी किया गया। अब देखो नई विंडो वर्जन आती है, ऑप्टिमाइजेशन तो बनता है, माइक्रोसॉफ्ट वाले थोड़ा अच्छा कर देते हैं आपके लिए, तो यही है यार बेटर ऑप्टिमाइज है। और ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी है कि अगर आपके पास AMD प्रोसेसर है ना तो ताबड़तोड़ भाई तालियां बजा दो हाँ बिल्कुल कमेंट में, क्योंकि देखो आपको यार परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट मिलेगा। अब देखो ये चीज अभी यार इंटेल में भी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि विंडोज अगर नहीं आ रही है तो भाई इंटेल और AMD में क्यों फर्क करेंगे, सिंपल बात है, आपको दोनों के ऊपर परफॉर्मेंस अब मिलना चाहिए। बट देखो AMD का कंफर्म हो गया, इनके यार लेटेस्ट अभी नीचे प्रोसेसर भी आए थे, पीछे हमने बात किए थे ना, राइजन 9 5 9600X हो गया या फिर राइजन 5 9950X पे हमने बातचीत करी थी, पूरा अनबॉक्स करा था भाई, खतरनाक सीन मचाया था। अब ये लेटेस्ट प्रोसेसर आ गए हैं, इवन अगर आपके पास ओल्ड प्रोसेसर भी है 5000 7000 सीरीज, तो वहां पे भी भाई आपको बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो नई विंडोज के है ना वहां पे आपको बेटर रिजल्ट दिखेंगे। अब इंटेल में भी ये चीज होनी चाहिए बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मोस्टली होगा तो सही यार लगता है। अब किया गया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे एक अपडेट निकाला और ये आपको सिर्फ AMD PCs में दिखेगा, और तो मेरे को लगता है ना जो AMD वाले उनको थैंक यू बोलो यार जाके, उन्होंने थोड़ा बोला कि भाई नए प्रोसेसर निकाले कुछ कर दो आप हो सके तो, ये अपना 24:2 वाली ऑप्टिमाइजेशन अभी दे दो, तो वही उन्होंने बेसिकली किया, जो ऑप्टिमाइजेशन आपको फ्यूचर में एक महीने बाद मिलनी थी वो अभी दे दी है। इवन अगर आपके पास AMD PC है तो अपडेट सेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे आपको AB501058 वगैरह की एक अपडेट भी दिख जाएगा, उसको आप अपडेट मार दो आंख बंद करके। एक बार अपडेट कर दिया तो भाई आपको बहुत हद तक यार परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अभी देखो गेम्स की बात करूं तो काफी अच्छा रिजल्ट यहां देखने को दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे मैं हार्डवेयर अनबॉक्स वाला
वालों ने यार चेकअप किया था 23S2 24S2 का गेमिंग है, क्या फर्क आ रहा है ये, खास करके राइजन के लेटेस्ट प्रोसेसर, मतलब आपको बेटर FPS बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इस अपडेट को करके, सिंपल चीज ये कंप्लीटली सीन था भाई। AMD वालों के लिए थोड़ा बेटर हो गया, अब इंटेल में देखते हैं यार परफॉर्मेंस बढ़ती है अभी कि नहीं, है ना 14 या 13 जनरेशन के लिए, वो तो अपडेट आने में ही पता चलेगा, एक महीना बचा है। AMD का कंफर्म था और ये आ भी चुका है, डाउनलोड मारो सीधा आग बंद के, मजा करो और क्या, यही तो चाहिए। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।